सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस असाइलम चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत के रुस्तम 2 ड्रोन को चाइना के विंगलोंग 2 ड्रोन से। विंगलोंग 2 वही ड्रोन है जिसे पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है, तो इसीलिए भी यह कंपैरिजन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या भारत का स्वदेशी निर्मित रुस्तम 2 ड्रोन चाइना के विंगलोंग 2 को पीछे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट से। रुस्तम 2 को DRDO के बेंगलोर बेस्ड लेबोरेटरी, जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ने डिजाइन और डेवलप किया है। HAL को इसका लीड इंटीग्रेटर कहा जा सकता है, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन विकसित किया है। इस ड्रोन के फ्यूजलेस को तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन ने बनाया है और इसके विंड टनल को आरव अनमैंड सिस्टम्स ने परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं विंगलोंग 2 की। विंगलोंग 2 को चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने डिजाइन और डेवलप किया है। चलिए तो अब बात करते हैं इनके डायमेंशंस के बारे में। रुस्तम 2 की लेंथ 9.5 मीटर, विंग स्पैन 20.6 मीटर और हाइट 2.4 मीटर है। वहीं विंगलोंग 2 की लेंथ 11 मीटर, विंग स्पैन 20.5 मीटर और हाइट 4.1 मीटर है। अगर साइज देखी जाए तो विंगलोंग 2 कंपैरेटिवली रुस्तम 2 से थोड़ा बड़ा है। चलिए तो अब दोनों की स्पीड और रेंज को कंपेयर करते हैं। रुस्तम 2 की मैक्सिमम स्पीड 225 किलोमीटर पर आवर है। इसकी क्रूज स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर से लेके 175 किलोमीटर पर आवर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 35,000 फीट यानी कि लगभग 10,668 मीटर है और इंड्योरेंस टाइम 24 आवर से भी ज़्यादा होगी। वहीं विंगलोंग 2 की मैक्सिमम स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉल स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर और एंड्योरेंस टाइम 32 आवर्स है और सर्विस सीलिंग 32,500 फीट यानी कि लगभग 9,900 मीटर्स है। तो चलिए अब दोनों के हार्ड पॉइंट्स और वेपन्स को कंपेयर करते हैं। विंगलोंग 2 में 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें वो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। विंगलोंग 2 द्वारा कैरी किए जाने वाले कुछ बॉम्ब्स हैं FT-10, FT-9, FT-7, GB-7 और GB-4 और वह मिसाइल्स जैसे BRM-1, AKD-10 और BA-7 को भी कैरी कर सकता है। वहीं रुस्तम 2 अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और पहले यह कहा जा रहा था कि इसमें सिर्फ दो ही हार्ड पॉइंट्स होंगे, पर सोर्सेज के मुताबिक अब यह बात सामने आई है कि इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसमें यह एयर टू एयर मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकेगा। अब बात करें दोनों के एवियोनिक्स की, तो रुस्तम 2 में सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स जैसे एवियोनिक्स लगे हुए हैं। वहीं विंगलोंग 2 में एयर टू ग्राउंड रडार्स, GPS कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड विथ डे एंड लाइट इंफ्रारेड कैमराज एंड सेंसर्स और सेटेलाइट लिंक लगे हुए हैं। अब दोनों के इंडक्शन के बारे में जानते हैं। रुस्तम 2 की फर्स्ट फ्लाइट 3 साल की देरी से 15 नवंबर 2016 को सफलतापूर्वक कर दी गई और जैसा कि हमने जाना, रुस्तम 2 अभी अपने फाइनल डेवलपमेंट फेज से होकर गुजर रहा है और संभावना है कि आने वाले 2-3 साल में इसे इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाए। वहीं विंगलोंग 2 के कॉन्सेप्ट को पहली बार सितंबर 2015 में बीजिंग के एविएशन एक्सपो चाइना में सामने लाया गया। इसे अमेरिका के प्रीडेटर MQ-9 ड्रोन के सस्ते ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट फरवरी 2017 को हुई और अभी यह ड्रोन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, नाइजीरियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में ऑपरेशनल है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा ड्रोन ज़्यादा पसंद आया। साथ ही आप हमें अपने अगले वीडियो के टॉपिक को भी सजेस्ट कर सकते हैं।